हाँ तो गाइज़ हम आज अपनी एक्सरसाइज 1.3 का कुछ पार्ट रिमेनिंग है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। उससे पहले छोटी सी बात के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे गाइज़, जो इसमें यूज़ करनी है हमने वो है हमारे पास गाइज़ वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम क्लियर। देखो सेट्स को आप जब सोल्व कर रहे थे तो उसमें आपने उसके अंदर ऑपरेशंस यूज़ किए हैं, ठीक है। तो वेन मीन्स लाइन, ठीक है। अब आपको कुछ सेट्स को लाइन से डिनोट करना है, ठीक है भाई। लाइन के रिकॉर्डिंग्स हम उसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं, इज दैट वेन डायग्राम। देखिए सबसे पहले जितने भी सेट्स यूनिवर्सल सेट्स होता है ना आपका, जिसमें सारे सेट्स होते हैं, उसको हम यू से डिनोट करते थे, आपको याद भी होगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो एक आपका रेक्टेंगुलर शेप में होगा, क्लियर। इसके अंदर ऑल सेट्स अवेलेबल हैं आपको पता है। तो सेट्स जो है उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं गाइस, क्लियर। इस तरह से जैसे ये सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। हो सकता है किसी सेट्स में एलिमेंट कॉमन हो, जैसे सपोज करो इसमें 1 और 2 है और सी जो है ना दूसरा है उसके अंदर 2 और 3 है, तो गाइस देखो 2 दोनों में आया हुआ है, 1 वाले सर्कल में भी और 2 वाले में भी, क्लियर। तो इस तरह से जब आप डिनोट करते हैं तो ये क्या होता है आपके पास, वेन डायग्राम, क्लियर गाइस। आपका यूनिवर्सल कंप्लीट और ये चीज़ें इस तरह से। अब उसमें आपने देख लेना, जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अब एक ऐसा सेट है जिसमें 1 और 2 है मान लो, ये 1 और 2 ए सेट होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो सी दूसरा है, उसमें 3 4 और 2 है, ये हमारा दूसरा सी होगा गाइस। अब मान लो एक हमारे पास बी भी है, उसमें ये हो गया हमारा, मतलब हमने इस तरह से देखना है कि जिसमें जो है वो एलिमेंट आ जाएगा। अब इसमें एक खास बात कहते हैं, देखो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन भी छांटी जा सकती, जैसे मैं आपसे पूछूं ये ए सेट था आपके पास, ये दूसरा आपका सी सेट था, तो दोनों में देखो गाइज आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 2, ये इंटरसेक्शन है आपका, क्लियर गाइज। अगर यूनियन की बात करते जैसे हम यहाँ पर अलग से डायग्राम बना रहे हैं, ये एक ए सेट है गाइज, ये हमारा दूसरा बी सेट है। देखो इन दोनों में अगर आपसे इंटरसेक्शन पूछेगा तो ये जो पार्ट है ना बीच का गाइस, ये क्या है आपका इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट है, क्लियर। और अगर वो आपसे पूछता है यूनियन, देखो यहाँ इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये पूरा देखो ये जो 8 जैसी शेप है ना इस तरह से बार बार की, ये सारी की सारी क्या कहलाई गाइस, उसका यूनियन, क्लियर है। तो इसके अंदर एक आपको वेन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो वेन डायग्राम के बारे में भी आपने थोड़ा डीपली जो है ना सीख लिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर जो हमने आज करने 1.3 के रिमेनिंग पार्ट्स। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ए जो है वो गिवन है आपको उसमें 1, 3, 5 और 9, ठीक है। बी जो है वो गिवन है आपको 2, 7 और 8, सी जो है वो है आपका 2, 3 और 4, ठीक है। अब आपसे कहा गया है वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो गाइज ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हमारे इस एक्सरसाइज में, करीबन 8 to 10 पार्ट्स है, हम एक ही पार्ट्स को या दो ही पार्ट्स को सोल्व करें, आपको बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले गाइज आपको लेफ्ट हैंड साइड को टेकआउट करना है और उसके अंदर सिर्फ आप जो है ना ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करेंगे, बाकी अपने आप आंसर आता जाएगा। जैसे ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली टेकिंग LHS, तो इस LHS के अंदर B इंटरसेक्शन C, ये ब्रैकेट पार्ट वाइज ये पहले सोल्व कर लेते हैं। B और C में क्या है, 2 कॉमन है ना, तो ये हो गया B इंटरसेक्शन C, वो हमने निकाल लिया 2 है, क्लियर। अब इसने बोला है गाइज A, सॉरी ये इंटरसेक्शन ही यूनियन, यूनियन है आपका, यूनियन में आप हर चीज़ को कंबाइंड करते हैं कॉमन को छोड़ के, 2 है ना, 2 ये हो गया आपके पास, फिर 7 लिख लेते हैं, फिर 8 लिख लेते हैं, फिर 2 आ चुका गाइस इसको नहीं लिखना है, फिर 3 फिर 4, क्लियर। ये यूनियन था आपका। अब इससे बाहर ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी पूरे में और ए में दोनों में क्या कॉमन पार्ट है वो छाड़ना, तो बी यूनियन सी ये है और ए ये है गाइस, देखो 3 है इसमें, 3 है इसमें, है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा, ओनली 3 नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स ये इसका रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये LHS सोल्व होगी गाइस। अब हम चलते हैं अपनी RHS के ऊपर। देखो RHS में इसने पहले बोला है आपको A इंटरसेक्शन B, तो A और B का कॉमन पार्ट क्या है, A और B का कॉमन पार्ट छांट लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इट मीन्स 5, क्लियर गाइस। फिर चलते हैं A इंटरसेक्शन C के ऊपर, A इंटरसेक्शन C पे आ जाओ, A इंटरसेक्शन C के अंदर आपके पास कौन सा पार्ट कॉमन है, ये देखो 1 और 2 नहीं हो सकते, 3 कॉमन है गाइस, ये हो गया 3, क्लियर।
अब इसने बोला था इसका और इसका यूनियन मींस दोनों को ऐड करना, आपने यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, देखो दोनों में कितना है 3, क्लियर। अब देखो ये आपकी LHS थी, ये आपकी क्या थी गाइज RHS, दोनों इक्वल आई होंगी, LHS इक्वल टू RHS, क्लियर है। तो वेरिफिकेशन के ऐसे आपके कई सारे पार्ट हैं गाइज, आपको सारे ट्राई करते हैं, ट्राई करने और उसके बाद भी आपको दिक्कत आती है तो आपको पूछ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर है आपका वेन डायग्राम, ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये वेन डायग्राम बहुत आसान से है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसने बोला ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज इम्प्लाइड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। देखो हम इस चीज़ को कंडीशनल करेंगे और इससे हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए। देखो ये कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देखो ये हमारे पास गाइज कोई भी, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूँ उसमें, जैसे सपोज करो ए में 1 और 2 है, ठीक है, बी में 1 और 2 तो होना ही है सीधी सी बात, आपके पास उससे अलग कुछ और भी होना चाहिए क्योंकि ए इसका सबसेट बनाना है, है ना। तो ये हमारे पास हो गया ए, इसमें है 1 और 2 और ये हमने अपना एक और ले लिया है बी, ठीक है, ऐसे, क्लियर। अब देखो ए में तो 1 और 2 है ना, और बी में क्या है 1, 2 और 4, इसमें कुछ पार्ट बच गया गाइस, इधर बच गया ना, इट मीन्स ए इसका सबसेट नहीं बना। आपने जो एग्जांपल लेना है वो ऐसा लेना है कि ए कन्फर्म इसके अंदर होना चाहिए, है ना, तभी तो क्या कहलाएगा इसका सबसेट। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ताकि आपको डाउट ना रहे आपको डायग्राम कैसे ड्रा करना है। अभी देखो ये हो गया यूनिवर्सल, ये हो गया बी, अब इसके अंदर कहीं बना लो, क्या बनाना है इसके अंदर ए, ए में क्या है गाइज 1 और 2 और बी में एक्स्ट्रा भी क्या है 4। अब ध्यान से देखो, अब बी के अंदर कौन आ गया ए आ गया, इट मीन्स ये क्या कहलाएगा इसका सबसेट, क्लियर है गाइज। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायग्राम में गड़बड़ ना हो, ठीक है, दोनों के लिए दोनों एग्जांपल आपको इसीलिए दिए। अब ध्यान से देखो, इसने बोला ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट है कन्फर्म, है ना ये का। अब यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले, देखो ये ए है आपका और ये बी, अगर इसमें कॉमन पार्ट निकाल तो गाइज ये वाला ही कॉमन पार्ट है दोनों का, है ना, और ये दोनों का कॉमन पार्ट किसके इक्वल है ए के इक्वल, तो ये हमारा रेडी हो गया क्या वेन डायग्राम। इसमें गाइज आपको ये एग्जांपल वैसे कॉपी में सोल्व नहीं करने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, ऐसा ही एक पार्ट और है हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इम्प्लाइड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये कह रहा है ए यूनियन बी अगर बी के इक्वल है, देखो ए और बी का यूनियन अगर किया तो बी बनना चाहिए, मतलब ए और बी जुड़ गए तो भी बी ही बनना चाहिए। जैसे मान लो ए में हमने फिर से एग्जाम्पल यही ले लिया है 1 और 2 वाला सेम एज इट इज, तो देखो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे इस तरह से भी ये ए है 1 और 2 और दूसरी बार इसको जब बी के साथ ऐड करें तो बी के बराबर बना चाहिए, देखो ये इसको इस पूरे का ऐड कर दिया हमने तब ये बी के बराबर बना है 4 बी आ गया, है ना। इट मीन्स क्या है ए इसके अंदर ही लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, इट मीन्स क्या है इसका सबसेट, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है, बस थोड़ा सा फर्क है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी, इसमें इंटरसेक्शन था, इसमें यूनियन है, यूनियन है इट मीन्स दोनों कंबाइंड है, और कंबाइंड करोगे तो वो वैल्यू किसके इक्विवेलेंट बनेगी बी के इक्विवेलेंट, गाइस क्लियर है गाइस। तो ये आपको वेन डायग्राम के और भी एक दो क्वेश्चन हैं वो भी आपको ड्रा करने। अब चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट भी आपका वेन डायग्राम बट चॉइस में कुछ खास बात लिखी हुई गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका शायद। यहाँ लिखा हुआ है वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, देखो चार चीज़ें हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और एक छोटी सी बात याद रखना गाइज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ आ जाए तो रियल में इसकी एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इस वैल्यू के इक्वल होता है गाइस, समझ गए। इंटरसेक्शन का क्या बन गया यूनियन, अगर इसका डायग्राम बनाना आगा तो पहले आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्लियर है ये बात। और एज इट इज़ आपको अगर इसी तरह से यहाँ मिलता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन दिस, तो आपको इसको इसके इक्विवेलेंट लिखना है, क्लियर है गाइज। तो हम चलते हैं अपने इसके ऊपर, पहले ए यूनियन बी बनाते हैं, है ना। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों में कुछ ना कुछ पार्ट, देखो मैंने अभी बताया था ना बाहर बाहर का ये जो पार्ट है ये सारा यूनियन कहलाएगा। इसने क्या बोला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स इसको नहीं लेना, अगर ए यूनियन बी कहे तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसने बोला है इसको छोड़ दो, इसका कॉम्प्लीमेंट बना दो, तो कैसे बनाओगे ये ए ये बी, है ना। अब इससे बाहर बाहर का जो रीजन है गाइज, इस ए यूनियन बी से बाहर बाहर का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है गाइज। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी वाला बता रहा हूँ गाइज मैं आपको, मान लीजिए आपके पास
ये वैल्यूज़ आ जाती है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखो ये इनका इंटरसेक्शन पार्ट है गाइस, है ना। अगर ये बोलता है हमें इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसको नहीं लेना है जिसको मैंने डार्क किया ना, इसको छोड़ करके बाकी जो सारा पार्ट है गाइस वो आपका आंसर होगा। क्लियर है ये बात, सारे को आप डार्क कर देंगे, वो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पे ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट में भी आपके पास बहुत ही ईजी से, देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, पांच छह पार्ट छोड़ दिए गए हैं, वो सिर्फ ऐसे ही ईजी ईजी से पार्ट हैं आपको सोल्व करने, आफ्टर दैट भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको पूछ लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए जो है वो हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और बी जो है गाइज वो है आपके पास एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और आपको ए इंटरसेक्शन बी के लिए बोला गया है, और उसमें भी दो कंडीशन है, एक्स जब रियल पार्ट होगा, और सेकंड वन में क्या है, एक्स जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स होगा, मतलब नॉट रियल पार्ट्स होगा। तो देखो सबसे पहले हम